सो रिसेंटली हैमर उनके बहुत सारे अच्छे अच्छे टीडब्ल्यू सी फोन्स लॉन्च कर रहा है। सो उनके और एक टीडब्ल्यू सी फोन्स कुछ हफ्तों पहले लॉन्च हुए थे जो कि थे हैमर स्टेलर। सो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं ईयरबड्स के डिटेल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, क्या इसकी प्राइस होने वाली है, कितनी वारंटी देखने मिलती है। सो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें इसके डिजाइन की, तो आपको बहुत ही अच्छा डिजाइन देखने मिलता है, बहुत ही बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन है और ये ईयरबड सिर्फ एक ही कलर के अंदर अवेलेबल है। ये ईयरबड्स IPX4 वाटर रेजिस्टेंट है, तो आप इसे वर्कआउट के टाइम पे भी यूज कर सकते हैं। अब इसके ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो 5.3 है, जो कि एक लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन है, जिससे कि ये ईयरबड्स आपके स्मार्टफोन के साथ फटाक से कनेक्ट हो जाएंगे। अब इसकी बैटरी लाइफ की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है 48 आवर्स के, लेकिन रियल लाइफ में आपको 40 to 42 आवर्स के अराउंड चल जाएंगे। अब इसके साउंड की बात करें तो 10 mm के ड्राइवर्स है, जो कि आपको ओवरऑल एक बैलेंस्ड साउंड प्रोवाइड करेंगे, साथ दोनों टाइप के कोडेक का सपोर्ट है। 4 माइक ENC है, जो कि कॉल के दौरान सराउंडिंग नॉइज को कैंसिल आउट करता है, जिससे कि अगले वाले पर्सन को आपकी आवाज बहुत ही क्लियरली सुनाई देती है। गेमर्स के लिए 50 ms की लो लेटेंसी है, जो कि ओवरऑल बहुत अच्छी बात है। ये ईयरबड 7 disc के रिप्लेसमेंट के साथ आते हैं और ऐसा 6 महीने की वारंटी भी आपको देखने मिलती है। इसकी प्राइस की बात करें तो 1500 रुपए अभी के टाइम पे इसकी प्राइस है। जब ये ईयरबड 1200 या 1300 रुपए के अराउंड मिल जाए, तब आप इसे बाय करना कंसिडर कर सकते हैं।